हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है जो प्लांट्स सारे कटिंग से ग्रो किए गए हैं और ये बैक साइड है। तो बैक साइड में ऊपर तक पहले मैंने वो बिल्कुल ऊपर वाली स्टेज तक पहुँचाए हुए थे, लेकिन वहाँ पे ना फिर पानी डालना मुश्किल हो जाता था, तो फिर सारे मैंने धीरे 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 करके नीचे लेके आई हूँ। और सारे देखते हैं आज कौन कौन से हैं, बताती हैं आपको। लेकिन कटिंग से ये सारे ग्रो किए गए हैं। फिर इस साइड हैं, ये भी सारी कटिंग्स ही लगाई हुई हैं, जैसे कि देखने में आपको लग ही रहा है। इधर था मतलब बर्तन रखने का था टोकरा, तो वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा था, तो उसमें मैंने सारी कटिंग्स को मैंने फिर वो अरेंजमेंट किया है इनका। और ये भी कटिंग्स है, और ये बड़ी बड़ी बकेट्स हैं, इनमें मैंने होल कर दिए हैं, अभी एज ए पॉट का ही यूज़ करेंगे। तो ये भी सारी कटिंग्स, ये भी कटिंग्स, और ये किचन के पीछे की जगह, ये भी सारे मतलब कि मदर प्लांट से अलग किए गए हैं सारे। और इधर देखिए इस जगह पे, और ये एक सकुलेंट है, इसका जो मदर प्लांट है वो फ्रंट साइड पे पड़ा है और इसको यहाँ लगा दिया है। ये एल्युमिनियम प्लांट हो गया, और ये टर्टल वाइन, और थोड़े दिनों में ये काफ़ी फैल जाएगी तो नीचे तक गिरेगी। तो ये बच्चों ने यहाँ लगाया है, मेरे पास तो आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ लगा दूँ, मैंने तो कहीं और भी लगा देना था इसे। ये छोटे पॉट में है, और उधर बड़े पॉट्स में भी काफ़ी लगी हुई हैं। ये है जी स्पाइडर प्लांट, इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, और ये वाली पत्ती इसकी निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये बिल्कुल ना फ्रंट में पड़ा था, उधर फ्रंट वाले गार्डन में, तो वहाँ पर काफ़ी धूप आ रही थी इसको, तो वहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके आई हूँ। और ये जो है ये आपको पता ही होगा, ये लकी बंबू है, तो ये बन गया, इसकी नोड यहाँ से निकलेगा। ये मदर प्लांट को मैंने काट के फिर दूसरा ग्रो किया था, वो भी हो गया, वो भी दिखाऊंगी। और थोड़ी सी शेड चाहिए होती है, इसको शेड मिल जाती है। ये मनी प्लांट है, इसको एक्चुअली मैंने सारे को टाई किया हुआ है, तो इसको भी थोड़ी सी अलग शेप देनी है मैंने। तो फिलहाल इसकी ट्रिमिंग वगैरह करूँगी, फिर पता चलेगा इसमें क्या एग्जैक्टली शेप आती है। ये सिंगोनियम, ये डिवीज़न से ग्रो किए गए हुए मदर प्लांट, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, भर गया था, तो फिर मैंने इनको सेपरेट करके लगाया। ये जी थनबर्जिया, और एक नाम और कौन सा था मैं भूल गई इसका, ट्रम्पेट वाइन। ये तीन है, तीनों कटिंग से लगी हुई हैं ये। और ये है रात की रानी, जैस्मिन की वैरायटी होगी। और ये है मोजरोस पोचुला का, इसको भी एक अलग शेप देनी है, देखो इसकी एक अलग ही एक बोनसाई की शेप दूंगी मैं, एक छोटा सा ट्री बनाना है ऐसे। तो इनको बांध बांध के नीचे से मैं इनको जो भी इसकी यहाँ से निकलती पत्ती उनको ना कट ऑफ करती रहती हूँ, और ऊपर ऊपर से ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाना है, और थोड़ा सी और इसकी हाइट पकड़ेगा तो फिर यहाँ से और बांध देना है। और देख रहे कैसे बुके की तरह लग रहा है ये, एक ही दिन में इकट्ठे फ्लावर निकालने हैं इसने, पहले नहीं, इसके कल तक तो कोई फ्लावर नहीं निकला था, कलियाँ खूब बन गई थी। और आज सुबह मैंने देखा तो इधर किचन है, किचन से ये सारा व्यू दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ से भी। और ये वाला इसमें लगाया हुआ है, और ये हैं जो पर्पल हार्ट, ये भी कटिंग से ग्रो की गई हैं, आज बहुत प्यारा लग रहा है ये। और अगर आपके भी सिंगोनियम को ज़रूरी नहीं कि सेपरेट ही करना है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये देखो ये इसकी रूट्स निकल रही है ना यहाँ से, ये एरियल रूट्स होती हैं, यहाँ से अगर हम कट करके लगाएंगे इसको सेपरेट करके, यहाँ से भी लग जाएगा, यहाँ से भी निकल रही है एरियल रूट, चाहे यहाँ से कट कर लें, तो ऐसे इसके बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं प्लांट्स। और स्पाइडर प्लांट का तो आपको पता ही है, ऐसे निकलते हैं इसके बेबी प्लांट्स, एक स्ट्रिंग से निकलती है और उसमें काफ़ी प्लांट्स बन जाते हैं। और बाहर वाली साइड काफ़ी ग्रो किए हुए हैं। फिर आ गया ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी सारे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, और बता रही थी ना ऊपर रखती थी स्टेयर्स में काफ़ी, तो बहुत गर्मी थी तो फूल वगैरह फिर नहीं निकले, बिल्कुल मुरझा गए थे, अब जाके स्टेबल हुआ है ये प्लांट। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक शेड रहती है और पानी देना भी थोड़ा आसान हो जाता है।
ये जैस्मिन है, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये क्लाइंबर है, मदर ऑफ मिलियंस, और इसमें तीन चार प्लांट इकट्ठे लगे हुए हैं। ये भी सारे कटिंग से, और जो इसके ये वाले सारे बेबी प्लांट्स होते हैं इनसे ग्रो किया हुआ है। फिर ये एलोवेरा हो गया, और अगेन ये पर्पल हार्ट आ गया है। इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन आप देख रहे हैं कटिंग से मैंने लगाया है और अच्छे से ग्रो हो रहा है। देख रहे हैं नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। वो है जी स्नेक प्लांट, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, लेकिन देख रहे हो पास में जब दिखा रहा हूँ थोड़ा, उसके बेबीज निकल रहे हैं लीव्स में से। ये सारे लीव से ग्रो किए हुए हैं। ये आ गया पोल्का डॉट, और पोल्का डॉट के बीचों बीच छिपा हुआ है कलेथिया। ये वाइट गुजमर, ये कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं। ये आ गया पिंक सिंगोनियम, एंड ये आ गया अरेलिया, ये भी कटिंग से ग्रो किया है। और ये कोलियस देख रहे हैं कितना बुश, ये देखिए उसके सीड्स मदर ऑफ मिलियन का यहाँ गिरा हुआ है, ये भी उसी से ग्रो किया गया है। ये रहा गोम्फ्रिना वाइट, ये गोम्फ्रिना लाइट पिंक, और ये कटिंग कल पर से लगाई थी। ये स्ट्रिंग ऑफ बनानास, इसकी दो तीन वैराइटीज हैं। अच्छा यहाँ छुपी हुई है बेबी सन रोज, पिंक फ्लावर वाला प्लांट। ये इस मदर प्लांट से जैसे आप देख रहे हैं ये कटिंग्स ली हुई है ना, कटिंग ले लेके मैंने टीचर प्लांट और बनाया, इसको यहाँ रख रही हूँ। इसको ना धूप नहीं आ रही थी, अब यहाँ धूप आएगी, यहाँ पे खिलेंगे उसके फ्लावर्स। पिंक पिंक कलर के काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं। और जी इसके बाद ये देखो स्नेक प्लांट, पत्ती से लगाया हुआ है लीफ से, और नया प्लांट इसका ग्रो हो गया, बेबी प्लांट अपने आप निकल आया है। ये अगेन सिंगोनियम, सेपरेशन से, डिवीजन से। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसिना की वैरायटी, ड्रेसिना फैमिली से ही है, कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ये आ गया फिर जैस्मिन की और वैरायटीज है, ये भी कटिंग से ग्रो की गई हैं। ये आ गया बीच में मेहंदी का प्लांट, कटिंग से ग्रो किया गया है। ये सभी पे मैंने सेपरेट वीडियो बनानी है। एक बार मैं कटिंग्स दिखा रही थी आपको कि ये सारे कटिंग से ग्रो किए गए हैं, जो पीछे वाली साइड रखे हैं। ये यहाँ रखने का ये था मेरा मोटिव कि यहाँ पे धूप कम आती है, थोड़ा टाइम आएगी ये जैसे देख रहे हैं ना, फिर चली जाएगी धूप। तो कटिंग्स को ज़्यादा हमने धूप में नहीं रखना होता। ये देखिए सिंगोनियम का दिखा रहे हैं, ये देखिए बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, ये रहे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स अपने आप निकलते रहते हैं। ये है जी रेड वाला ड्रेसिना, ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये साथ वाला भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये है अम्ब्रेला प्लांट सफलेरा, ये भी कटिंग से। ये ऑल्टरनेंथरा, ये भी कटिंग से ग्रो किया गया है, रेड रूपी है। और ये वाले स्नेक प्लांट में अभी बेबी प्लांट नहीं निकला है, निकल जाएगा, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे ये सिर्फ लीफ से ग्रो किए हुए हैं मैंने, लेकिन इनमें टाइम लगता है तो काफ़ी पेशेंस चाहिए। इतनी जल्दी ये जो लीफ से लगाते हैं इतनी जल्दी वो ग्रो नहीं होते हैं। ऑब्वियस है जो हम स्टेम से लगाएंगे मोटी स्टेम से वो जल्दी होगा, बिल्कुल छोटी स्टेम होगी तो काफ़ी टाइम लेगा, पत्तियों से तो फिर काफ़ी लंबा टाइम ले लेते हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं लीफ कितनी ज़्यादा होती हैं और कितने प्लांट्स आपके एक सार इकट्ठे ग्रो हो जाते हैं। ये है प्राइड ऑफ इंडिया, ये वाला, ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये है खलीफा प्लांट, ये भी कटिंग से। ये तीनों चारों प्लांट पड़े हैं, ये मदर प्लांट हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, उधर बोगनवेलिया मिर्ची के प्लांट हैं, एंड प्लूमेरिया चंपा, ये भी कटिंग से ग्रो किया गया है। और उधर कटिंग्स पड़ी है मेरी क्रिसेंथेमम गुलदाउदी की, और शायद नहीं दिखे हैं मुझे प्लांट्स कई छोटे छोटे जो पड़े हैं। फिर ये देखिए ये भी थनबर्जिया, तो ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और देख रहे हैं आप नई नई इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और इसके अलावा आ गया जी इधर, ये है पत्थर चट का प्लांट, ये वाला,
प्रॉपर इसकी ग्रोथ चल रही है, इसी में ही कटिंग्स और लगी हुई हैं वो भी चल रही हैं, और ये थोड़ी कटिंग्स रिसेंटली लगाई हैं अभी। और ये फाइकस है एंड अजवाइन के हैं, और ये फिर क्लांचो अगेन आ गया, मदर ऑफ थाउजेंड्स, ये रोयो आ गया, ये भी मैंने सेपरेट करके सारे लगाए थे, 7-8 प्लांट्स बन गए थे एक प्लांट से, उनको डिवाइड किया था। ये कटिंग कर लगाई है, ये सिंगोनियम और ये एलिफेंट ईयर बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं इसके, सिंगोनियम के साथ ही लगाए हैं। और यहीं पे था एक और अम्ब्रेला प्लांट, वेरीगेटेड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बहुत ज़्यादा धूप में पड़ी थी, अब जाके मैंने शेड में किया है और ख़राब हो रही थी, कैसे टूट ही रही थी ये, तो वैसे धीरे धीरे ग्रोथ इसकी हो जाएगी दोबारा से, लेकिन एक बार बिल्कुल प्लांट झुलस से गया था। यहाँ रखेंगे इसको, ये ड्रेसिना है कटिंग से ग्रो किया हुआ, ये ड्रेसिना है थोड़ा मुरझाया हुआ है, पत्तियाँ इसकी मुड़ गई हैं, यहाँ से इसको मैं कट ऑफ कर दूँगी तो यहाँ से ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी। अगेन एलिफेंट ईयर सेपरेट करके लगाया हुआ है, ये ड्रेसिना लगाया हुआ है कटिंग से ही, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी कटिंग्स ही हैं इधर, कई चल गई हैं कई चलने वाली हैं। और इसके अलावा यहाँ पे था ब्लीडिंग हार्ट, ये रहा, हाँ जी ये ब्लीडिंग हार्ट है, ये रहा, ये भी चल जाएगी कटिंग। पत्थर जट आ गया, बेबी टीयर्स, ये आ गया, नाम भी भूल जाती हूँ कौन कौन से हैं, ये हाँ ये बेल है येलो वाली, टिकोमा,